नमस्कार बच्चों, हिंदी भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक यानी ओरल और लिखित यानी रिटन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी भाषा को सही रूप से बोलना आना चाहिए और जब हम वर्णों का सही तरीके से उच्चारण करते हैं तब हम उसे सही तरीके से लिख पाते हैं। स्वर और व्यंजन वर्णों को लिखने के लिए हमें उसका लिखित रूप से अभ्यास करना जरूरी है और साथ ही साथ स्वर वर्णों की मात्रा का सही प्रयोग भी करना आना चाहिए। तो आइए बच्चों, आज सबसे पहले हम स्वर वर्ण की मात्राओं को सीखें। आप देख सकते हैं कि यहाँ स्वर वर्ण लिखा हुआ है, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। अब हम एक एक कर इन वर्णों की मात्राओं को लगाना सीखेंगे। अ, अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, तो हम अ की मात्रा की जगह इस क्रॉस का निशान लगाएंगे जो ये बताता है कि अ हर व्यंजन वर्ण में शामिल है और इसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती। दूसरा स्वर वर्ण है आ। आ की मात्रा लगाने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा वर्ण के बाद में लगाते हैं। हमारा तीसरा वर्ण है इ। इसे हम छोटी कहते हैं क्योंकि इसको बोलने में हमें कम समय लगता है। छोटी ई की मात्रा लगाना बहुत आसान है। आप एक सीधी रेखा खींचिए और उसके नीचे आप एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा वर्टिकली खींचिए और इस लाइन के ऊपर आप उल्टा यू लिख दीजिए। ये छोटी ई की मात्रा है। अब बड़ी ई यानी ई लिखने के लिए आप फिर एक रेखा खींचेंगे, उसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन और उल्टा यू लिखेंगे। इनमें ध्यान देने की बात यह है कि वर्ण के पहले छोटी की मात्रा लगाई जाती है और वर्ण लिखने के बाद बड़ी ई की मात्रा लगाई जाती है। अब अगला स्वर वर्ण है उ। उ को हम छोटा उ भी कहते हैं और इसकी मात्रा लगाने के लिए हम सिक्स को स्लीपिंग मोड में लिखते हैं, यानी वर्टिकल सिक्स अगर हम लिखें तो ये छोटे उ की मात्रा हो जाएगी। बड़े उ की मात्रा लगाने के लिए हम इसे उल्टा कर दें तो ये बड़े उ की मात्रा है। री। री को लिखना बहुत आसान है। वर्ण के नीचे अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट सी लिखें तो वो री की मात्रा होती है। ए लिखने के लिए हम गुब्बारे का सहारा ले सकते हैं, दैट इज बलून, राइट? इफ वी कीप वन बलून हियर, दिस इज ए की मात्रा। और जब इस लाइन पर हम दो बलून्स लगा दें, दो गुब्बारे लगा दें, तो वो ए की मात्रा हो जाती है। ओ लिखने के लिए हमने अपने हाथ में एक बलून पकड़ा, एक गुब्बारा पकड़ा, तो ओ हो जाता है, ओ की मात्रा लग जाती है। और अगर हमने अपने हाथ में दो बलून पकड़े तो ये ओ की मात्रा हो जाती है। अंग की मात्रा समझने के लिए आप मेरे माथे पर यह बिंदी देख सकते हैं। ये बिंदी रेखा के ऊपर लगाई जाती है, जैसे अंग। और अह लिखने के लिए वर्ण के बाद हम दो डॉट्स लगाते हैं, ऐसे और ऐसे। अब इसे याद करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज बताती हूँ। आप अपने आप को व्यंजन वर्ण मान लें और इन सारी मात्राओं को लगाने का प्रयास करें तो
तो देखें कि ये कितनी आसानी से आप इसको सीख जाएंगे। और यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो स्वर वर्ण की मात्राएं हैं, ये स्वर वर्ण के साथ नहीं बल्कि व्यंजन वर्णों के साथ लगाई जाती हैं। तो आइए बच्चों, एक छोटी सी एक्सरसाइज के द्वारा हम इन मात्राओं को लगाना सीखें। आप बिल्कुल सीधी तरह खड़े हो जाएं और अपने आप को व्यंजन वर्ण माने। तो अगर मैं कहूँ अ, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती और अ स्वर व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ा हुआ स्वर होता है। अब आइए आ, आ बोलते ही अगर आप व्यंजन वर्ण हैं तो आपके बाद आप एक सीधी रेखा खींचेंगे जो आ की मात्रा होती है। इ यानी छोटी बताने के लिए आप अपने सिर के ऊपर यानी अपने हेड से ऊपर ले जाएंगे और इसे यू की तरह टर्न करेंगे तो ये छोटी की मात्रा हो जाएगी। बड़ी की मात्रा को बताने के लिए वर्ण के बाद आप इस हाथ को ऊपर ले जाइए और इसे यू की तरह घुमा दीजिए तो ये बड़ी ई की मात्रा है। अब आता है हमारा अगला वर्ण उ यानी छोटा उ। छोटा ओ को लगाने के लिए हम अपने लेफ्ट हैंड को लेंगे, इसको अपने चिन के नीचे रख करके और नीचे कर देंगे तो ये छोटे ओ की मात्रा लग गई। और अगर आप दूसरे हाथ को ठुड्डी की तरफ से बाहर की तरफ ले जाएं तो ये ऊ यानी बड़े ओ की मात्रा होती है। री लिखना बहुत आसान है। री को समझने के लिए आप अपनी ठुड्डी के नीचे हाथों से सी बना लीजिए और री की मात्रा लग गई। अब ए की मात्रा बताने के लिए आप अपने दाहिने हाथ को ऊपर ले जाएं। आपको याद है गुब्बारा, ये एक गुब्बारा है ए की मात्रा और ये दो गुब्बारे हैं ए की मात्रा। ओ की मात्रा लगाने के लिए हम अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर करेंगे और थोड़ा सा झुक जाएंगे, ये हो गई ओ की मात्रा। और ओ की मात्रा लगाने के लिए हम अपने दोनों हाथों को ऊपर करके और थोड़ा झुक जाएं, ओ। वेरी गुड। अब अम की मात्रा लगाना बहुत आसान है। जहाँ पर बिंदी लगी है आप अपनी राइट हैंड की उंगली से आप यहाँ टच करिए, अम अम। वेरी गुड। और अह के लिए अगर आप स्वयं को व्यंजन माने तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में दो डॉट्स लगाइए, अह। है ना बच्चों, बहुत आसान सारी मात्राओं को जानना और उनको याद रखना। तो बच्चों अब तक हमने स्वर वर्ण और उनकी मात्राओं के बारे में सीखा और जैसा कि हम जानते हैं कि स्वर वर्ण की जो मात्राएं हैं वो स्वर वर्णों के साथ नहीं बल्कि व्यंजन वर्णों के साथ लगाई जाती हैं। जैसे हम क का उदाहरण लेते हैं, क। क बोलते समय और लिखते समय इसमें अ स्वाभाविक रूप से यानी नेचुरली इसमें है तो हम इसकी और कोई मात्रा नहीं लगाते क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। लेकिन क के साथ जब हम आ लिखना होता है यानी का, तो क्या करते हैं, हम क लिखते हैं और इसके बाद हम स्ट्रेट लाइन यानी एक सीधी रेखा खींचते हैं और हम का लिखते हैं। अंतर समझ में आया, क अ के साथ है और इसमें कोई मात्रा नहीं लगती। जैसे क, क से कमल यानी लोटस। लेकिन का बोलते समय हमारा मुंह आ बोलने की तरह खुल गया और का, का से काम means work। अब हम आते हैं क पर छोटी ई की मात्रा लगाने को, क ई की। किस से क्या वर्ड हो सकता है, किसान, किसान means farmer। अब क में बड़ी की मात्रा लगाएं, की। की से कील, कील means nail। अब क में उ की मात्रा लगाते हैं,
और ये बनता है कु। कु से शब्द बनेगा कुत्ता मीन्स डॉग। और क में बड़ी उ की मात्रा लगाते हुए हम इसे उच्चारण करते हैं कु। और कु से शब्द बनता है कूड़ा मीन्स गार्बेज। अब क में हम री की मात्रा लगाएंगे और ये बनेगा क्री। क्री से कृपा मीन्स ब्लेसिंग्स। अब क में अगर हम ए की मात्रा लगाएं तो क्या बनेगा के। वेरी गुड। और के लिखने के लिए हम क के ऊपर एक गुब्बारा लगाएंगे और ये बनेगा के। के से केला मीन्स बनाना। अब क पर ए की मात्रा लगाते हैं, हम क लिखेंगे और इसके ऊपर दो गुब्बारे लगाएंगे, ये बन गया कै। कैसे शब्द बनेगा कैसा कैसे। लाइक इन इंग्लिश वी से हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो हिंदी में कैसे शब्द बनता है कैसा कैसे। अब अगला जो स्वर है और जिसकी मात्रा हम लगाने जा रहे हैं वो है ओ। तो अगर हम क पर ओ की मात्रा लगाएं तो क्या बनेगा बच्चों, को। और को से होता है कोयल। कोयल मीन्स नाइटिंगेल। अब हमारे पास है ओ की मात्रा, तो हम अगर क में औ की मात्रा लगाएं तो हम अपने हाथ में दो बलून्स पकड़ते हैं और औ की मात्रा लग जाती है। और क में जब औ की मात्रा लगती है तो इसका उच्चारण होता है कौ। कौ से कौवा। कौवा मीन्स क्रो। अब आइए अंग। जब हम क पर अंग की मात्रा लगाते हैं तो ये बनता है कंग। कंग से शब्द बनेगा कंघा। कंघा मीन्स कोम। वी कोम आवर हेयर एंड वी यूज कोम टू ब्रश आवर हेयर। सो कंग। कंग से कंघा। और फिर क में अह लगेगा तो बनेगा कह। बच्चों कह से किसी शब्द का निर्माण नहीं होता, लेकिन जब हम किसी भी व्यंजन वर्ण में इन मात्राओं को लगाते हैं तो इन्हें बारह खड़ी कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि स्वर वर्ण की संख्या तो 13 है, तो फिर इसे हम बारह खड़ी क्यों कहते हैं। यू नो 12 इज 12 एंड 13 इज 13 इन हिंदी। तो इफ वी काउंट ऑल वॉवल्स दे आर 13 इन नंबर्स, बट वी से 12 खड़ी यानी 12 मात्राएं हम इस पर लगाते हैं। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि क की अलग से कोई मात्रा नहीं होती। क इस स्वर वर्ण अ के साथ जुड़ा हुआ है और बाकी को अगर हम गिने तो ये 12 मात्राएं हैं। हम गिने आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अम अह। दे आर 12 इन नंबर्स एंड दैट्स व्हाई वी कॉल 12 खड़ी। बच्चों व्यंजन वर्ण के सभी वर्णों पर ये मात्राएं लगाई जाती हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे अगर क वर्ग का पांचवा वर्ण जिसको हम अंगा बोलते हैं उसके साथ ये मात्राएं नहीं लगाई जाती। च वर्ग के पांचवें वर्ण ञ के साथ भी इन मात्राओं का प्रयोग नहीं किया जाता। तो मेरे ख्याल से अब आप स्वर वर्ण के सारी मात्राओं का प्रयोग और व्यंजन वर्ण पर उनका प्रयोग और इस्तेमाल सीख चुके होंगे।